हेलो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं अब कद्दू की सब्जी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तेल डाल के तो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने तेल डाल लिया है, ये तीसरा स्पून आ चुका है। साढ़े तीन चम्मच डाल चुके हूँ। तो दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालता हूँ ऑनियन के अब लहसुन। इसका दो मिनट चल चुका, तेल इतना गर्म हो चुका है, थोड़ा सा जीरा डाल के देखेंगे। तेल आ चुका है, तो इसके अंदर जीरा डाल दिया है। सबसे पहले लहसुन डाला था, अब जीरा डाल दिया है, अब डालूंगा राई, मसाले को अच्छी तरह से आपको तैयार करना, मसाला कच्चा ना रह जाए। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे इसमें, इसमें ये कटे हुए टमाटर ये भी साथ में मैं ऐड कर देता हूँ। आदत है, मैं तीस प्लेन में खाना बनाने की आदत है, धीमी प्लेन में मैं खाना नहीं बनाता हूँ। तो आप लोगों को मेरा एक और ऐसा थोड़ा चीज़ होगा कि खाना बनाने का जैसा तेज कर देते हैं आपको। मसाला पूरी तरह से पकने के बाद में सब्जी ऐड करेंगे, मसाले ही मेन होता है। अगर मसाला अच्छी तरह से नहीं पकेगा तो सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी। दोस्तों उसको अपन पकने देते हैं, और ऐड होगी इसमें। ये मेरे पास नींबू है, नींबू इसमें ऐड करूंगा, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, आधे से भी आधा नींबू लिया काट के। इसके अलावा अपन लेंगे प्याज का चटपटा चाट मसाला, चाट मसाला भी ऐड करेंगे, थोड़ा लगी फ्लेवर लाने के लिए। सबसे मेन चीज दोस्तों मैं भूल ही गया, नमक डालना। तो नमक ऐड कर देते दोस्तों, भूल ही गया था मैं। तो आप नमक डालना बोले काफी वीडियो बनाते बनाते नमक डालने भूल जाता दोस्तों।
इसमें नमक ऐड करेंगे, एक डेढ़ चम्मच नमक डाल दीजिए। बिना नमक किसी दुनिया की किसी भी सब्जी में टेस्ट आपको नहीं आ सकता, उसका थोड़ा और पकने देते हैं। इस टाइप से ये पक रही है सब्जी, और अच्छी सब्जी होने वाली दोस्तों, काफी मजा आ जाएगा। बड़ा तैयार हो रहा है दोस्तों, अपने को मसाले को पकते हुए कम से कम मान के चलिए इस मसाले को पकते हुए हो गया है लगभग 8 से 10 मिनट। मसाला पूरी तरह से पक चुका है तो अपन एंड टाइम पे ये कद्दू कटे हुए पड़े ये ऐड करेंगे। मसाले मैंने कद्दू ऐड कर दिया और इसको अच्छे से दोस्तों अब कुछ नहीं करना है, इसको बस पकाना है। आपकी मर्जी हो तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो, बस कद्दू खुद पानी छोड़ेगा। कद्दू एक्सेसिव पानी से खेत में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करता था, ताकि कद्दू बड़े होते हैं उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये पानी खुद छोड़ देंगे। फिर भी आपको लगता है पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा सा पानी मतलब बहुत कम पानी यूज़ करना है, ये खुद कद्दू पानी छोड़ेगा। पकने देते हैं, फिर आपको लास्ट में बताते हैं कि सब्जी कैसे बनेगी, सब्जी कैसे ड्राई बनेगी, उसको पकने देते हैं। पकती आपकी सब्जी रेडी है, मैं ये पकने के बाद आपको ये सब्जी दिखाऊंगा लास्ट में, देखते हैं। दोस्तों ये सब्जी कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुकी है, जो आपके सामने मौजूद है, पक चुकी है, बनने वाली सब्जी। अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।